डॉक्टर संतुलन मल। क्या मांग है आप? मेरी मांग ये है कि शाइस्ता के साथ जो पति की पत्नी है सम्यक व्यवहार हो और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। शाइस्ता के लिए आप जी क्या गलत हो रहा है शाइस्ता के साथ? शाइस्ता छिप रही है, भाग रही है, पुलिस के भय से भाग रही है। मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि क्या गलत नहीं हुआ है, लेकिन शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार किया जा। और अब जो है इस तरीके से उसका भागना, वो कैसे भाग रही है, क्यों भाग रही है, भय से ही भाग रही है इतना तो पक्का है। तो ये भय निकालना चाहिए, और किसको निकालना है? पुलिस को निकालना है। तो मैं, मेरी एक मांग है कि वो मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट से रखा है कि एक स्त्री होने के नाते भी, और शाइस्ता ने क्या गलत किया है, क्या अपराध किया है, आज ये प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न ये है कि अब शांतिपूर्ण ढंग से शाइस्ता को न्यायालय में ले जाया जाए। उसका पति मारा गया, उसका बेटा मार दिया गया, हत्या की गई, वो जांच का विषय नहीं रह गया है, तो अब उसको न्यायालय में सम्यक तरीके से ले जाया जाए। मेरी ये मांग राइट। तो प्रोसीजर ये तरीका नहीं है, प्रोसीजर कानूनी तरीके से, आप कानूनी तरीके से और लाफुल तरीके से ले जाइए, प्रोसीड करिए, बस। मैं नहीं कहता कि वो अपराधी नहीं है, बिल्कुल अपराधी होगी है, तो आप उसके लिए कानून का सहारा लीजिए। तो आप शाइस्ता को इंसाफ दिलाने के लिए जी राइट। मैं इंसाफ इतने कि न्यायालय ले जाया जाए और सम्यक व्यवहार किया जाए, इतने, बाकी कुछ नहीं। मांग क्या क्या मांग है? एक तो यह है कि जो जो उसको सम्यक व्यवहार शाइस्ता के साथ किया जाए, एक यह है कि उसको न्यायालय में ले जाया जाए, एक यह है कि पति और पुत्र की हत्या के बाद शाइस्ता की तलाश क्यों, ये तीन, एक सवाल, पति और पुत्र की हत्या के बाद शाइस्ता की तलाश क्यों, और एक दो सवाल, दो उत्तर मैंने और आपको दिया। शाइस्ता की तलाश क्यों ना हो, ये मैं ये कह रहा हूँ कि तलाश बिल्कुल हो, तलाश करके लाफुल तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप प्रोसीड करिए न्यायालय में, मैं बिल्कुल एतराज नहीं है। मैं दे दिया था इसके पहले, मैं प्रार्थना पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को 4 दिन पहले ही दे दिया था, और 11 बजे मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैंने PIL डाल दिया इस इशू पर कि अब सब कुछ सम्यक व्यवहार होना चाहिए। 6 साल यहाँ रहे।